एसआरसी निर्देश अनुजाई संभाव्य बात्या को लेकिन भुवनेश्वर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पक्षर समस्त प्रस्तुति करा जाउछि। एने की एक प्रस्तुति बैठक विभिन्न डिविजन सहित किभली भाव में वाटर लगिंग को रोक जा पार से 31 भल प्लेसेस रे आम पंप सेट व्यवस्था करा जाई छी। एवं जो लोक माने जदि बड़धरण बात्या हम लोक इवाकुएट करवाक पड़ो लोक मान को किभली भाव में सेफर जगार आमर आश्रयस्थल रखा से नहीं विभिन्न स्कूल जो जगह गुड़िक रही से गुड़िक्वस्था करेटी टॉयलेट काम करेटी किभली भाव में आम लाइट्र व्यवस्था हम से डीजीसेट केमी रस्का लाइट केमती रोक से नहीं व्यवस्था कर ड्रिंकिंग व्वाटर पाखु मेडिसीन शुखला खाद्य एसबूर व्यवस्था कर गच्छ पड़गले फायरवाला सहित तो मीट रही जो थी कि बड़ गच्छ पड़े से काटे और छोट छोट डाल पड़गले भुवनेश्वर म्युनिसिपल कर्तृपक्ष पक्षर किभली भाव से गुड़िक कटा जा उठा से नहीं विभिन्न जोन को आम एक्सट्रा ट्राक्टर एक्सट्रा व्हीकल तार पूर्व प्रस्तुति अनुजाई जदि देखिए तेल जो आम ड्रेन गुड़िक रही से ड्रेन गुड़िक डिसिल्टिंग करवा सहित जो गुड़िक बड़ ड्रेन रही जोटी साइफन रही जो प्रॉब्लम हुए अनेक समय से ही ड्रेन रे पानी जमिकी से जो पाखाख जगह गुड़िक सब वाटर लगिंग होता है जमीक ड्रेन नंबर 10 आउ 5 से गुड़िकर साइफन को सफा करा जाए तेणु यही प्रस्तुति आम कर विभिन्न क्रिमेटोरियम एवं विभिन्न स्थान में डीजीसेट विशेषकर भैक्सीनेसन जो रोच गच्छित मेडिकल से डीजीसेट व्यवस्था करस्का लाइट जी गत थर दि जाता फनी समय ताकि अधिक मागिचु फायर स्टेशन को तेणु से राजी होती जे आस्का लाइट एसआरसी पाखर परमिशन नहीं कि आस्का लाइट व्यवस्था बेस करेंगे सो दैट आम जदि इंटरप्ट हुए इलेक्ट्रिसिटी ताल आम फेस करें भुवनेश्वरवासी आम अनुरोध करुचु जे से सहयोग रेत्र आम समस्ते मिसिकी जे ओडिशा को पूर्वर बहु बात्या आसी समस्त सहयोग सामना कर सफल ये क्षेत्र में निश्चित भाव में सफल हवा जदि ओडिशा को हिट करे। आज सुबह 8:30 बजे का एनालिसिस में हमारा एक लो प्रेशर व लघुचाप साउथ अंडमान सी एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट वे ऑफ बंगाल में फॉर्मेशन हुआ है। इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड रहेगा और कल इवनिंग 7th इवनिंग तक डिप्रेशन व अवपात में रूप लेने का चांसेस है। फिर फर्दर इसका मूवमेंट नॉर्थ वेस्टवर्ड ही रहेगा और साइक्लोनिक स्टॉर्म 8th इवनिंग 8th इवनिंग में साइक्लोनिक स्टॉर्म में रूप लेने का चांसेस है। इस समय इसका लोकेशन ईस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल में रहेगा साइक्लोनिक स्टॉर्म का। फिर फर्दर मूवमेंट इसका नॉर्थ वेस्टवर्ड ही रहेगा और 10th में हमारा वेस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल ऑफ मीन्स हमारा आंध्र प्रदेश उड़ीसा नॉर्थ आंध्र प्रदेश उड़ीसा कोस्ट से दूर में वेस्ट सेंट्रल वे में बे ऑफ बंगाल में सी एरिया में ही रहेगा 10 तारीख तक। अभी इतना तक ही फोरकास्ट सिस्टम के लिए दिया गया है और इसका रिगार्डिंग अभी जो वार्निंग है मेन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो हमारा एडवाइजर वार्निंग है वो फिशरमैन के लिए फिशरमैन को 9th एंड 10th हमारा सेंट्रल वे ऑफ बंगाल नॉर्थ वेस्ट वे ऑफ एडजॉइनिंग नॉर्थ वेस्ट वे ऑफ बंगाल वेस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल इसमें 10th में और सेंट्रल वे ऑफ बंगाल इस सेंट्रल मेनली हमारा 9th में जाने के लिए मना किया है मीन्स डीप सी एरिया में 9th से जाना मना है। तो 10th तक सभी फिशरमैन को कोस्ट में वापस आने के लिए कहा गया है। विद इन 10th सभी फिशरमैन को हमारा कोस्ट में वापस आने के लिए एडवाइस है। और इसका प्रभाव में हमारा रेनफॉल एक्टिविटी कोस्टल उड़ीसा में हल्का से मध्यम बारिश मेनी प्लेसेस में 10th में होने का चांसेस है और हैवी रेनफॉल एक दो जगह करके आइसोलेटेड प्लेसेस में होने का चांसेस है। कोस्टल उड़ीसा का 4 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग अभी वार्निंग दिया है, ये है गंजाम पुरी खुर्दा एंड जगत सिंहपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट में एक दो जगह में हैवी रेनफॉल 10 तारीख में होने का चांसेस है। अभी यही है सिस्टम रिगार्डिंग, फिर हम लोग कल इसका बुलेटिन दोपहर टाइम में इशू करेंगे। सर विंड का स्पीड कितना रहेगा? विंड का जो स्पीड अभी हमारा इसका सी एरिया के लिए है, सी कंडीशन अब हमारा वेस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल में जो अभी दिया है वेस्ट सेंट्रल वे ऑफ बंगाल में 10 तारीख में 70 to 80 गास्टिंग टू 90 ये हाइस्ट दिया गया है विंड स्पीड सी एरिया में। अभी कोस्टल एरिया के लिए कोई
विंड वार्निंग व अदर वार्निंग, ओनली हैवी रेनफॉल वार्निंग जो हमने बोला वही है, बाकी कोई वार्निंग जारी किया नहीं है। जो भी है आपका सब सी एरिया में है, जो अभी जो वार्निंग हमने बताया है सी एरिया के लिए है, इसलिए फिशरमैन को फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वार्निंग है। फिशरमैन को 10 तारीख तक हमारा वापस आना है कोस्ट में, क्योंकि सी एरिया को डिस्टर्ब रहेगा, सी में हाई सी रहेगा तो उसमें डीप सी में बिल्कुल नहीं जाना है 9 तारीख से, ठीक है। और नहीं वो तो फोरकास्ट हमने बोला ना, अभी 10 तारीख जो है समुद्र आपका वेस्ट सेंट्रल बे तक आएगा, उसका बाद ये वेस्ट सेंट्रल बे जो है हमारा आंध्र प्रदेश और ऑफ ऑफ मीन्स कोस्ट से दूर होता है, कोस्ट से दूर में रहेगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट से दूर में रहेगा, बट ये जो सी एरिया है वो नज़दीक होता है हमारा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा कोस्ट का नज़दीक में होता है ऑफ मीन्स, ठीक है। बट वो सी एरिया में ही सिस्टम उस समय रहेगा, बट सिस्टम सी एरिया में रहने से भी साइक्लोन का रिगार्ड जो ये होता है पेरीफेरी होता है उसमें भी आपका वेदर होता है, तो पेरीफेरी जो हमारा वेदर जो है उसमें रेनफॉल का है। रेनफॉल का वार्निंग हमने बोला आपका 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेनफॉल 10 तारीख को दिया गया है, ठीक है। फर्दर जो अपडेट आपका नेक्स्ट कल दिया जाएगा।